दोस्तों, जो लोग वेल्डिंग के काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वेल्डिंग रॉड के बारे में अच्छे प्रकार से उनको नॉलेज हो, तभी उनको वेल्डिंग के काम सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको वेल्डिंग रॉड के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप वेल्डिंग के काम तो सीखेंगे लेकिन आधा अधूरा काम सीखेंगे। तो वेल्डिंग रॉड के बारे में क्या क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग पर हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वेल्डिंग रॉड के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं ताकि आपको काम सीखने में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, वेल्डिंग रॉड बहुत प्रकार के आते हैं, जहां पर जिस हिसाब से हमें जरूरत होता है उस हिसाब से रॉड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि MS का रॉड हो गया, SS का रॉड हो गया, देगी का रॉड हो गया, मैग्नीस का हो गया, अल्मोनिया, कॉपर, सारे का रॉड आता है वेल्डिंग रॉड। लेकिन जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो MS और SS का रॉड यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास SS का रॉड है, ये MS का रॉड है, ये भी MS का रॉड है। जहां कहीं भी जिस हिसाब से हमें वेल्डिंग करने होते हैं, मतलब कि कोई मोटा हैवी मटेरियल हो तो उस पर हैवी रॉड को यूज किया जाता है, कोई हल्की मटेरियल हो तो हल्की रॉड को यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे ये वाले रॉड 10 नंबर है, आपने 10 नंबर तो सुना ही होगा, जो 3-15 के रॉड होते हैं उसको लोग 10 नंबर कहते हैं। जैसे कि देखिए, इनमें से हमने निकाल के रखे हुए हैं, अभी एक डब्बी और है जिसका डब्बी यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, इसीलिए हमने उसे साइड में रखा हुआ है। और हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की वेल्डिंग रॉड है। ये वाले जो 2 पीस रॉड है दोस्तों, ये MS की रॉड है, मतलब कि हम लोग कोई भी लोहे का सामान में इसे वेल्डिंग मार सकते हैं। और ये जो 2 हमारे पास रॉड है, ये स्टील का है और ये मैग्नीस की रॉड है। कोई मैग्नीस के प्लेट हो गए या मैग्नीस के कोई मशीन में मटेरियल लगा हुआ है उसमें हमें वेल्डिंग करना है, हम मैग्नीस के रॉड से ही वेल्डिंग मारेंगे, क्योंकि मैग्नीस का जो रॉड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और जल्दी घिसता नहीं है। तो जहां हमें मैग्नीस के मटेरियल मिलेगी वहां हमें मैग्नीस के रॉड से वेल्डिंग मारने होंगे। इसके मारने का करंट रेंज, जो भी रॉड होते हैं वो सारे का करंट रेंज पैकेट के ऊपर लिखा होता है, आगे मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो ये चीज़ तो आप जान गए, अब रॉड की पहचान कैसे करेंगे? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रॉड पर लिखा हुआ है, ये हमारे जो रॉड है यहाँ पर लिखा हुआ है SS 308 का, ये रॉड है स्ट्रिंगलेस स्टील, इस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रॉड का जो नंबर होते हैं और जो ग्रेट होता है मटेरियल का, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन इस पर मेंशन नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिए। जैसे कि आप जब 8 नंबर का रॉड लेंगे, कहेंगे कि 8 नंबर का हमें रॉड दीजिए, तो 8 नंबर का रॉड इतना लंबा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर पैकेट पर रखा है। और ये 10 नंबर का जो रॉड है वो आपको इतना लंबा मिलेगा, ये आप पैकेट पर देख रहे हैं। और ये स्टील का है, स्टील वाला और MS वाला जो 10 नंबर का रॉड होते हैं वो दोनों का लेंथ बराबर होती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दिए, अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल तक समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर SS की डब्बी उठाए, यहाँ पर कंपनी के नाम को मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ चीज़ लिखे हुए हैं, जैसे कि स्ट्रिंगलेस 308 ग्रेड का ये हमारे स्टील का रॉड है। और यहाँ पर 3.15 × 350 mm लिखा हुआ है, मतलब ये रॉड के साइज़ हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जो भी वेल्डिंग रॉड होता है डब्बा पर जो मेंशन किया होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है करंट रेंज, तो आप करंट रेंज और रॉड की मोटाई सारे कुछ डब्बे पर लिखे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये MM लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाला लाइन है, ये MM साइज में लिखा हुआ है। ये 2 नंबर जो आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप 14 नंबर के रॉड लेते हैं, 14 नंबर के रॉड थोड़ा पतली होती है, उसके जो मोटाई होगी वो 2 mm होगा और उसका जो करंट रेंज है यहाँ पर लिखा हुआ है 35 से 55, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम 12 नंबर के रॉड यूज करते हैं तो उसकी मोटाई होती है 2.5, मतलब कि 2.5 mm उसकी मोटाई होती है और उसकी जो करंट रेंज होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 से 80 के बीच में करंट रेंज हम यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है 3.15, मतलब कि 3.15 जो हमारे रॉड होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये वाले जो रॉड है ये 3.15 है, जिसको हम लोग 10 नंबर रॉड कहते हैं। तो 3.15 के जो करंट रेंज है वो 80 से 110 है, तो जो 10 नंबर रॉड होते हैं उसको 80 से 110 के बीच में रखने होते हैं। बाकी जो 8 नंबर जो वेल्डिंग रॉड होता है उसको 110 से 150 के बीच में करंट रेंज रखना होता है और उसकी मोटाई 4 mm होती है,
बाकी जो 6 नंबर के वेल्डिंग रॉड होते हैं वो इससे भी मोटा होता है। जैसे कि हमारी ये 8 नंबर की है और इसकी मोटाई 4 mm है, लेकिन वो जो छः नंबर रॉड होगी उसकी मोटाई 5 mm होगा और उसके करंट रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है 150 से 180 लगभग MS का हो गया या SS का हो गया या अल्मीनियम देगी। और जो आपके मैग्नीस के हो गए, कॉपर के हो गए, जो भी वेल्डिंग रॉड होते हैं सबका करंट रेंज लगभग सेम रहता है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 6 नंबर वेल्डिंग रॉड होगी उसकी मोटाई 5 mm होगा और करंट रेंज 150 से 180 होगा। बाकी दोस्तों इस रॉड का लेंथ भी लिखा होता है बहुत सारे डब्बी पर, इस पर तो नहीं है, हम दूसरे डब्बी पर देखते हैं। जैसे कि ये हमारे लोहे के सीट में वेल्डिंग मारने वाले वेल्डिंग रॉड है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके 14 नंबर रॉड होगा वो 2 mm मोटा होगा और 300 mm लंबा होगा, मतलब कि यहाँ से ये 300 mm का लंबाई होगा। और यहाँ पर जो आपके 12 नंबर होंगे वो यहाँ पर 2.5 mm मोटा होगा और 350 लंबी लेंथ होगी उसकी। बाकी जो 3-15 होती है उसके जो लंबाई होती है, और लंबाई दो तरह से होती है 3-15 के रॉड में, मतलब कि 10 नंबर रॉड में लंबाई दो तरह से होती है, एक 350 mm लंबा आता है, एक 450 mm आता है। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे 8 नंबर रॉड होती है वो 4 mm मोटा होता है और 450 का लंबा लेंथ होता है, सबकी यहाँ पर मेंशन किया होता है डब्बी पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वेल्डिंग के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी जो वेल्डर होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो करंट रेंज अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन ये जो डब्बा पर मेंशन किया होता है अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम सीखते हैं तो उम्मीद है कि आप बेहतर कारीगर बनेंगे। बाकी जब आप कारीगर बन जाएंगे तो आप भी अपने हिसाब से वेल्डिंग करने के लिए करंट रेंज अपने हिसाब से सेट करके और आप अपना काम को करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में, इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।